Good morning everyone, this is Amir and you are watching MS MOTOVLOGS. Friends, it's 7:38 in the morning and last night I slept like a baby. और चल चल के पूरे पैरों की वाट लग गई. कल तीन फोर्ट एक्सप्लोर करे और जल महल एक्सप्लोर करा, तो काफ़ी मेहनत वाला डे हो गया कल. सो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट ले लिया, अराउंड 7 आवर्स की स्लीप ली है. तो अब हम निकलेंगे उदयपुर के लिए. सो इट विल बी अराउंड 6 to 7 आवर्स राइड और पहुँचते पहुँचते लगभग 3 से 4 बज जाएंगे. तो मैंने 2 दिन की बुकिंग्स की है. आज का दिन जो है जाएंगे थोड़ा होटल में चेक इन करेंगे और शाम को उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा. अब कल पूरा दिन हम उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट डे हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो लेट्स गो. सो गाइस, स्मॉल अपडेट अबाउट द राइड. मेरे राइनोक्स का सैडल बैग का एक कवर गिर गया, पता नहीं कहाँ पे. ये वाले बैग का इसका इंटैक्ट है और ढूंढने के लिए मैं आया काफ़ी पीछे, मतलब 4-5 किलोमीटर पीछे तक आ गया बट नहीं मिला. तो चलिए चलते हैं, देख कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसको मंगा लेंगे और एक्स्ट्रा. बाकी आई एम समवेयर नियर अजमेर, सो अजमेर इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो लेट्स गो. So guys, right now I am at Gangaur Ghat. So friends, अभी हम जा रहे हैं जगदीश टेम्पल उदयपुर, दिखाते हैं आपको. सो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है लगभग 1652 में बना था और ये, जैसा कि हमने पंडित जी से पूछा, ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर है. और जो अंदर मंदिर के अंदर जो वर्क किया गया है पत्थरों पे, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अमेजिंग है. उदयपुर जब भी आएँ तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको. सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम एट सिटी पैलेस और जो स्टूडेंट का टिकट है वो 100 रुपीज़ एंड नॉर्मल एडल्ट का टिकट 300 रुपीज़ है. चलिए. इस महल की शुरुआत की थी महाराणा प्रताप के पिताजी उदी सिंह ने. बिल्डिंग को आगे से आगे बढ़ाते गए. राजस्थान का सबसे बड़ा महल है, 1500 फीट लंबा, 800 फीट चौड़ा, 105 फीट ऊँचा. उदी सिंह के लड़के थे महाराणा प्रताप, इस बिल्डिंग में रहे नहीं, कोई चीज़ बनवाया नहीं. महाराणा प्रताप, अच्छा अच्छा, पैदा हुए कुंभलगढ़ में, बड़े हुए चित्तौड़गढ़ में, कि अपने फादर के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहे. जब उदी सिंह जी की डेथ हुई तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ वापस ना जीतूँगा मुगलों से, महल में नहीं रहूँगा. वो चित्तौड़ जीत सके नहीं, महल में आए नहीं, जंगल में रहते हुए. क्योंकि हल्दी घाटी में ही हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच. उसमें नान खाना, मेहमान खाना, बेडरूम, नाम रखा दिल खुश महल, दिल को खुश करने का जगह. अच्छा अच्छा. मेन चीज का फ्लोरिंग कांच का है, वॉकेबल कांच का है. ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी है जो रानी किताबें रखी जाती है. अच्छा अच्छा. यहाँ कभी लोग किताबें लिखते थे, बैठते थे. ये पंखा रखा हुआ है 150 साल पुराना, इटली का
क्योरोसिन से चलता है, नीचे चिमनी लग रहा है उसका क्योरोसिन भर के बत्ती जलाओ उसका धुआं इकट्ठा उस टाइम का इलेक्ट्रिसिटी गर्म होगा, किसी का पिस्टन चलेगा स्टीम इंजन की तरह, आवाज़ ज़्यादा हवा कम। अच्छा वही है जो भी है मतलब इसके हिसाब से चाइना के टाइल्स है, होलैंड के टाइल्स है, 300 साल पुरानी टाइल्स लग रही है। So guys, this is the entrance of the Sajjangad Palace. So friends, ये back वाला view है Sajjangad Fort का। आपको वो जो आप रास्ता देख सकते हैं उसी रास्ते से हम ऊपर आए फोर्ट। अभी मैं हूँ फतेह सागर लेक पे और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार प्लेस है ये और मस्ट विजिट प्लेस है उदयपुर के अंदर। और मॉर्निंग में यहाँ पे बोट वगैरह की राइड होती है, स्पीड बोट की राइड है, नॉर्मल बोट्स की राइड है, सो आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। बट लेकिन जो एक्चुअल टाइम है यहाँ आने का वो शाम का है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ठंडी हवा चलती है यहाँ पे और बहुत ही पीसफुल जगह है।